हरियाणा में तीन निर्दलीय विधायकों द्वारा भाजपा ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया और घोषणा की कि वे कांग्रेस का समर्थन करेंगे। इसके बाद ही नायब सिंह सैनी सरकार राज्य विधानसभा में अल्पमत में आ गई है। इस बीच कांग्रेस नेता हुड्डा ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। हरियाणा की 90 सदस्य विधानसभा में सदस्यों की मौजूदा क्षमता 88 है। सरकार के पास बहुमत से दो विधायक कम हैं। वर्तमान में भाजपा ने सरकार को दो अन्य निर्दलीय विधायकों की का समर्थन प्राप्त है। गौरतलब है कि जजपा ने मार्च में गठबंधन सरकार से समर्थन वापस ले लिया था। विधानसभा में भाजपा के 40, कांग्रेस के 30 और जजपा के 10 विधायक हैं। हालिया दिनों में जननायक जनता पार्टी के कुछ विधायकों ने भाजपा को समर्थन देने का संकेत दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हरियाणा समेत देश भर में कांग्रेस के पक्ष में लहर है और जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए निर्दलीय विधायकों ने यह फैसला लिया है। सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और चुनाव कराया जाना चाहिए। यह जनविरोधी सरकार है। इस बीच जजपा नेता दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा कि हुड्डा को जनता का विश्वास खो चुकी सरकार को गिराने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि हुड्डा को तुरंत राज्यपाल से मिलाना चाहिए और उन्हें स्थिति से अवगत कराना चाहिए। गौरतलब है कि मनोहर लाल खट्टर की जगह सैनी ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। सैनी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने 13 मार्च को सदन में ध्वनिमत से विश्वास मत जीत लिया था। करनाल से लोकसभा चुनाव लड़ रहे खट्टर ने करनाल से विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था।